हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 6.4 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसे अब मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के माइंड में हमेशा डाउट कुछ ना कुछ पैदा कर ही जाता है, और वो लाइफ टाइम पर डाउट रहता ही रहता है। तो आज का ये वीडियो आप एकदम अच्छे से डिटेल में देखना। हम यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए गए, भले टाइम कितना लगे, जो 12 के 12 क्वेश्चन है पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, एक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था, सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था। ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका देखो यूज़ बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अगर कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है ना, अगर डेसिमल में भी अगर कोई नंबर दिया हुआ है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि स्क्वायर रूट कितना होगा। समझ आ रहा है बात? जैसे कि 2 हो गया, 2 किसी का स्क्वायर रूट है क्या? नहीं है। 5 जो किसी का स्क्वायर रूट है क्या? नहीं है ना, है ना। लेकिन वो अगर नंबर मतलब स्क्वायर नहीं है ना, लेकिन हम उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं डेसिमल्स वगैरह में। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना एकदम लास्ट तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं 6.3 तक, या जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा आगे के क्वेश्चंस का, है ना, तो उन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहले एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। ये जो नंबर दिए गए हैं, इनका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ है 2304। सबसे पहले स्टेप क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, आप पेयर बनाते हो, यानी कि दो दो नंबर्स का ग्रुप बनाया जाता है। जैसे देखो, ग्रुप इधर से बनता है, राइट साइड से बनता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे 4 और 0 का एक पेयर बनेगा, 2 और 3 का एक पेयर बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से जो हम लोग को डिवाइड वाला आप कह लो, है ना, या फिर इस तरीके से एक डब्बा में आपको डाल देना है। ये डिवाइड का ही साइन होता है, इसको हम लोग डिवाइड करने ही कहते हैं। बस ऐसा आप बहुत कम देखोगे, जब ये डिवीजन मेथड आप यूज़ करोगे ना, तभी इस तरीके से आप डब्बा बनाओगे। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको ये जो पहला नंबर इधर से जो पहला ग्रुप बना है, ठीक है, यहाँ पर डबल डिजिट का जो ग्रुप बना है ना, अब इसको आपको ये दिमाग लगाना है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तब उससे छोटा कोई सा नंबर लो जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो। तो जैसे देखो, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 5 5 जो 25, जो कि 23 से बड़ा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 और ऊपर में भी लिखोगे 4, तो 4 4 जो होगी हमारा 16। यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 23 में से 16 माइनस हुआ तो बचेगा कितना, इधर 3 और इधर 4 7। ठीक है, और ये अब जो 0 और 4 है इसको आप उतार दो। दूसरा, इसके बाद आप क्या स्टेप करना है आपको, कि जितना भी आपने टेबल पढ़ा था, जैसे 4 का 4 जब 16 पढ़ा था ना आपने, तो अब आप क्या करो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, यानी कि ये 4 और ये 4 आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से आपको बुक में नहीं लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स में, लेकिन आपको इसी तरीके से करना है। वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए डायरेक्ट दे दिया गया है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, आप ऐसे लिखोगे तो गलत नहीं होगा। तो ये 4 और ये 4 ऐड करोगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। 8 को थोड़ा सा साइड में लिखो, क्योंकि यहाँ पर हमको एक और नंबर लिखना पड़ेगा। कौन सा नंबर लिखेंगे अब वो देखो, इतना क्लियर है? देखो, सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपको पेयर बनाना है, उसके बाद जो लेफ्ट साइड में आपके पास पेयर रहेगा उसको ये देखना है कि वो नंबर किसी का स्क्वायर है, अगर नहीं है तो उससे छोटा कोई नंबर लेना है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो 16 इससे छोटा है, जो कि 4 का स्क्वायर है, तो 4 4 जब हमने 16 पढ़ा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जैसे हम लोग डिवाइड में करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि जितना भी आपने टेबल पढ़ा है, जिस नंबर का जितना बार भी टेबल पढ़ा है, उसको आपस में ऐड कर देने से, हमने 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ा था 16 लाने के लिए, तो 4 को 4 टाइम ऐड कर दो, तो आ जाएगा आपका 8। ठीक है, यानी 4 और 4 ऐड कर दो तो 8 आ गया। अब आपको क्या करना है ना, कि यहाँ पर अब आपका जो नंबर आया है उसका लास्ट वाला डिजिट देखना है। जैसे लास्ट में यहाँ पर कितना है, 4 है, तो अब आपको दिमाग ये लगाना है कि 2 से लेकर के 10 तक, ज़्यादा आगे नहीं चलना है, 2 से लेकर के 10 तक ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो लास्ट में 4 आता है। तो आपको ऐसे दो नंबर मिलेंगे, एक तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं 2 2 जा तब हमारा 4 आता है, एक हमारा 8 होता है, 8 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 8 से करते हैं तो 64 आता है। तो लास्ट में दोनों में 4 आ रहा है ना, और यहाँ पर भी कितना है लास्ट में, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो नंबर आप लिखोगे ना, वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्लियर है? और यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है वही नंबर यहाँ पर भी लिखा जाता है। समझ में आ रहा है बात? यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो ये 82 बन जाएगा, और फिर मेरे को यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि 82 का टेबल हम लोग 2 टाइम पढ़ते हैं तब हमारा 704 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मान लो, जैसे अभी तो क्लियर है कि नहीं आएगा, लेकिन फिर मान लो आप स्टार्ट करो, एकदम बिगनिंग करो मैथ पढ़ना, तो यहाँ पर मान लो आपने 2 लिखा दिमाग में, लेकिन ना लिखना नहीं डायरेक्ट, तो हमारा ये 82 बन जाएगा, और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब 82 का मल्टीप्लाई हमको 2 से करना पड़ेगा। तो इसका आप मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 164 आ रहा है, 704 तो आ नहीं रहा है, यानी कि हमको 2 नहीं लिखना है, बचा क्या 8। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर अब 8 ही लिखाएगा। देखो कैसे लिखाएगा, अगर मैं यहाँ पर 8 लिखता हूँ तो ये 88 बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ अगर 8 लिखूंगा तो मुझे यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है, तो 88 का फिर मल्टीप्लाई 8 से करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 कर दो, 8 8 जो हमारा 64 का 4 हो गया, कैरी हो गया हमारे पास 6,
फिर 8 8 64 और 6 हो गया हमारा 70। तो देखा आपने 704 आ गया ना। तो बस आपको बस यही पता करना, दिमाग में ये रखना है कि 2 से लेकर के 10 तक ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर में लास्ट में ये डिजिट आता हो, जो भी आपको मिलेगा ना माइनस करने के बाद, तो उसका लास्ट का डिजिट देखना है। क्लियर है? तो ये स्टेप्स अभी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अभी तो ये स्टार्ट क्वेश्चन था इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे पूरे क्वेश्चन का तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। तो ये हमारे 88 का एटीएम पेपर पढ़ा तो 784 आ गया, और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा माइनस, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग स्क्वायर रूट देखें 2304 का, तो वो कितना निकल गया, यहाँ पर जो आया ना वही आंसर है, 48 है। इसका मतलब ये जो है ना 48 इसका स्क्वायर रूट है, 48 × 48 करोगे तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। बस कंप्लीट, और कुछ नहीं करना है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगला जो हमारे पास नंबर है वो है 4489। पहला स्टेप क्या है, दोनों का पेयर बनाना, यानी कि राइट साइड से डबल नंबर्स का पेयर बनाना। उसके बाद इसको ट्री में इस तरीके से अंदर करो डब्बे में, और उसके बाद डिवाइड करना शुरू करो। तो 44 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 44 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इससे छोटा कोई सा नंबर ले लो जिससे किसी का स्क्वायर हो। जैसे देखो 6 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 6 6 36 आता है, और 7 7 हमारा 49 आता है, तो 49 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 6 वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, यहाँ पर भी लिखेंगे 6, तो 6 6 हो जाएगा हमारा 36, माइनस कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ये 8 और 9 उतर जाएंगे। ठीक है, और हम जानते क्या हैं कि इन दोनों नंबर्स को ऐड भी करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर 6 और 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 को थोड़ा सा इधर लिखो, एक नंबर की यहाँ पर जगह छोड़ देना है। अब कितना आ गया हमारे पास लास्ट में, 9 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि 2 से लेकर के 10 तक कितने नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में 9 आता है। तो एक तो 3 होगा, 3 3 9 होता है, और एक उसके अलावा हमारा 7 होता है, 7 7 49। यानी या तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा या तो 7 लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो यहाँ भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा, तो ये 103 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 400 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। हमारे पास कितना है, 800 है। इसका मतलब कि यहाँ पर मुझे 7 लिखना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ तो ये 127 बन जाएगा, और ऊपर भी मेरे को भी 7 लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, 7 7 49 का 9 कैरी हो गया 4, 7 2 14 और 4 कितना होता है हमारा 18 18 का 8 कैरी हो गया 1, 7 7 और 1 8 आ गया ना 889। तो बस दिमाग में आपको यही रखना है, लास्ट वाला डिजिट देखो और पता लगाओ कि किस कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है 2 से लेकर के 10 तक जिसके लास्ट में ये वाला डिजिट आता हो। तो ये तो हमको एक 3 मिला और एक 7 मिला, तो यहाँ पर हमारा 7 होगा इसका आंसर, क्योंकि 3 अगर मैं लिखता तो इतना आता ही नहीं मेरा। तो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, तो ये हो गया हमारा 889। कर दो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट और आपका काम हो गया कंप्लीट। तो स्क्वायर रूट जो होगा हमारा 4489 का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 67, जो कि यहाँ पर आया है। कंप्लीट वाला क्वेश्चन, तो देखा आपने, एक बार समझने में बस टाइम लगता है, उसके बाद फिर पूरे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3481। ठीक है, आइए डिवाइड करना शुरू करते हैं। पहले तो पेयर बना लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेबल देखेंगे। तो ये हमारा 34 है, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 5 5 25, और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36, जो कि इससे बड़ा हो जा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो 5 5 जो होगी हमारे पास 25, सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 9 आ जाएगा, और ये 81 जो है उतर जाएगा। यहाँ पर हम जानते हैं इन दोनों को पहले ऐड करना है, तो 5 और 5 को अगर अपन ऐड करते हैं तो आ जाएगा 10, 10 को इधर लिख दो। अब इधर यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, 1 है। तो अब दिमाग लगाओ कि ऐसे कौन से टेबल हैं जिसके लास्ट में 1 आता हो, तो आपको 2 से लेकर के 10 तक केवल एक 9 ही ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लास्ट में 1 आता है, क्योंकि 9 9 81 होता है, और किसी का स्क्वायर में तो लास्ट में 1 आता नहीं है। तो इसका जाहिर सा मतलब यहाँ पर हमारा 9 ही आने वाला है, फिर भी हम एक बार जरूर चेक करेंगे। तो ये 10 अगर मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ तो मेरे को यहाँ पर भी 9 लिखना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 9 से। तो देखो 9 9 81 का 1 हो गया, कैरी हो गया 8, तो ये 8 तो उतर जाएगा, क्योंकि 9 0 0 और 8 यहाँ पर ऐड हुआ तो 8 उतर गया, और फिर 9 1 9 आ गया। तो देखा हमारा 981 आ गया, कितना सिंपल था। तो बस यहाँ पर 9 लिखो, यहाँ पर 9 लिखो, और ये हो गया 981, और ये हो गया हमारा कैंसिल। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट होगा हमारा 3481 का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 59। अगला क्या नंबर दिया हुआ है हमको, 529। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वाले जो हमारा क्या बोलते हैं एक्सरसाइज 6.3 में, वहाँ पर ये नंबर जो था हमको बहुत परेशान किया था। 529 है, इसका हमको पता ही नहीं चलता था ये किसका स्क्वायर है। जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे थे तो बड़ा दिक्कत हुआ था ना, मैं बोला था कि आपको 30 तक याद करना पड़ जाएगा। तो अगर आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है तो आपको 30 तक याद करने की जरूरत नहीं, आप जल्दी से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो पहले तो हम पेयर बनाएंगे। तो देखो इधर से 29 का पेयर बना, ये सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंगल ही रहने दो। अब ये आप कर लो इस तरीके से डब्बा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो नंबर है ये 5 है, तो अब देखो कि जो 5 है वो किसका स्क्वायर है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 वाला तो बड़ा हो जा रहा है इसलिए हम 2 का लेंगे। तो देखो 2 2 जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और ये 2 9 उतर जाएंगे। क्लियर है, 2 और 2 को ऐड करेंगे
तो हमारा इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अभी लास्ट में 9 है, दिमाग ये लगाना है कि लास्ट में 9 किस नंबर के आते हैं, किस नंबर के स्क्वायर में आता है। तो एक तो 3 में आता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया 3 जा 9 होता है। उसके अलावा फिर एक हमारा 7 में आता है, 7 जा 49 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा तो ये 47, और यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा, तो 47 × 47 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा। हमारे पास केवल कितना है, 129 है, यानी कि 7 हमको लिखने की जरूरत नहीं है। हम अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो ये 43 बन जाएगा, और यहाँ भी मैं 3 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 और 3 4 12, तो 129 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी 3 लिखो, यहाँ भी 3 लिखो, तो ये हो जाएगा हमारा 129। और इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर 529, जो हमारा है ना, 529 इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, तो वो 23 है। ये वाला नंबर कई बार आया है मैं एक्सरसाइज 6.3 में भी, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा पिछला वाला एक्सरसाइज, तो आपको ये नंबर कई बार परेशान जरूर किया होगा। ठीक है, तो ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, आइए अगले के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 2 4 9। सबसे पहला काम पेयर बनाना रहेगा, उसके बाद हम जानते हैं डिवाइड देना है, और किसे देना है, तो स्क्वायर वाले नंबर से। तो 32 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 5 = 25 एक स्क्वायर होता है, और 6 6 = 36 स्क्वायर होता है, तो वो तो बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 वाला ले लेंगे। 5 5 = 25 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो इसको पहले, तो ये 7 बचेगा, ठीक है, और ये 4 9 यहाँ पर उतर जाएंगे, और 5 और 5 को अगर अपन ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10। यही रूल है, जितना भी टेबल पड़े रहो उसको ऐड कर दो। अब आपको क्या देखना है, लास्ट में 9 है, तो फिर वही दिमाग आ रहा है कि या तो हमारा 3 लिखाएगा यहाँ पर, या तो हमारे पास 7 लिखाएगा, तभी हमारा लास्ट में 9 आता है। तो अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 103 बन जाएगा, और 103 का अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 309 के आसपास आएगा। ठीक है, आसपास क्या 309 ही आएगा, क्योंकि 103 * 300 और 3 3 * 9 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 3 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 7 लिखेंगे। तो आप देख लेना, यहाँ पर भी अगर मैं 7 लिखता हूँ और यहाँ भी 7 लिखता हूँ, तो 7 ये 107 बन गया और ये 7 बन गया, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई होगा तो 749 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो 107 * 700 और 7 7 * 49, तो आ गया ना हमारा आंसर। इसका मतलब यहाँ पर हमको 7 लिखना था, तो ये हो गया हमारा पूरा कैंसिल। तो ये हमारे यहाँ से जो स्क्वायर रूट निकला 3 2 4 9 का, वो निकल गया 57। तो बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लो ना, पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से डिटेल में समझ लिया, तो जो 12 के 12 क्वेश्चन दिए वो केवल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और कुछ नहीं है, वहाँ पर आप पूरे के क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हो। अगला नंबर हमारे पास है 1 3 6 9 का, पेयर बना लेते हैं जल्दी से और डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 13 है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 3 3 = 9 स्क्वायर होता है, 4 4 = 16 स्क्वायर होता है, 16 बड़ा हो गया, तो हम लोग 3 3 = 9 ले लेंगे। तो 3 3 यहाँ पर आप 9 ले लो, माइनस करने पर बचेगा 4 और 6 9 उतर जाएगा, और इसी तरीके से 3 और 3 को ऐड कर देंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर या तो मैं 3 लिखने वाला हूँ, है ना, क्योंकि लास्ट में देखो 9 आ गया, फिर से लास्ट में 9 आएगा, तो आप या तो 3 ही लिखोगे या 7 ही लिखोगे, क्योंकि हमको, मैं आपको बता दिया है ना, स्क्वायर आपको देखना है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा या तो 3 या तो 7। तो अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 63 हो जाएगा, और 63 का अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 जो हमारा कितना होगा, लगभग 180 के आसपास आएगा, यानी कि 200 के आसपास आएगा, जबकि हमारे पास 400 है। तो अगर मैं 7 लिखता हूँ, चेक कर लेते हैं एक बार, अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ तो 67 बन जाएगा, और यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा मेरे को ऊपर में, तो 7 7 = 49 का 9 कैरी हो गया 4, 7 6 = 42 और 4 हो गया 46 आ गया आंसर। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर भी 7 और यहाँ भी 7 लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो अंडर रूट में 1 3 6 9 = 37। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। 7th नंबर के क्वेश्चन में हमें नंबर दिया हुआ है 5 7 7 6। पहला काम रहेगा हमारा पेयर बनाना, ये लहा हमने पेयर बना लिया, उसके बाद फिर अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर किसका है। तो 57 जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है उसे छोटा नंबर ले लो, तो हमारा 8 8 जाए देखो तो ज़्यादा हो जाएगा 64, और 7 7 अगर हम लेते हैं तो 49 आता है, तो हमको तो ज़्यादा ले लेना नहीं है, छोटे ही ले लेना है, तो हम 7 का ले लेते हैं, 7 7 = 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 8, ठीक है ना, और ये 7 6 उतर जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ पर 7 और 7 को ऐड भी करना पड़ेगा, ये रूल है हमारा, तो 7 और 7 हो जाएगा 14। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आता हो, तो अब दिमाग लगाओ कि लास्ट में 6 किसके किसके आता है। तो देखो, या तो अगर हम लोग 4 × 4 करते हैं तब हमारा 16 आता है लास्ट में 6, या तो हम लोग 6 × 6 करते हैं तब हमारा 36 आता है लास्ट में 6। इसका मतलब या तो यहाँ पर 4 लिखाने वाला है या तो यहाँ पर 6 लिखाने वाला है। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 144, और ऊपर ही मुझे 4 लिखना पड़ेगा, तो उसका मल्टीप्लाई 4 से करके देखते हैं कितना आता है आंसर। तो नहीं आने वाला, देखो यहाँ पर 800 है और ये तो 144 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कितना आएगा, 6 700 तक ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ तो 146 बन जाएगा ये,
और उसका फिर मल्टीप्लाई मेरे को यहाँ से 6 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 लिखना है। तो मैं इसका 6 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। 6 6 36 का 6 हो गया, कैरी हो गया 3, 6 4 24 और 3 हो गया 27 का 7, देखो आ जा रहा है ना, कैरी हो गया 2, 6 6 और 2 हो गया 8, यानी कि पूरा पूरा आ गया। तो यहाँ भी हम 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 876, माइनस करेंगे पूरा कैंसिल, तो हमारा 5776 का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो हो जाएगा 7 और 6, यहाँ पर जो होता है वही आंसर होता है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आइए 8 सॉल्व करते हैं। ये हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है, आइए पेयर बना लेते हैं सबसे पहले। तो डबल पेयर बन गया, उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड का इस तरीके से बना लेते हैं। 79 है तो अब चेक करो कि 79 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो 99 जाए तो हमारा 81 हो जाता है जो कि इससे बड़ा है, तो 9 से छोटा नंबर ले लेते हैं हम लोग 8, 88 जो हो जाएगा हमारा 64 जो कि इससे छोटा है, ठीक है, लेकिन हमको छोटा ही लेना है। तो यहाँ पर हम लोग 88 जा ले लेते हैं 64, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, तो 9 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया 5, 7 में से 6 माइनस हुआ तो आ गया 1, और ये 2 और 1 भी एज इट इज़ उतर जाएंगे। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं 8 और 8 को ऐड करना पड़ेगा, तो 8 प्लस 8 कर दो और यहाँ पर लिख दो 16, 8 और 8 16 होता है। अब लास्ट में यहाँ पर आ गया 1, तो हमने अभी कुछ क्वेश्चन कौन सा था हमारा, शायद क्वेश्चन नंबर 3 था, वहाँ पर मैंने बताया था लास्ट में 1 कब आता है, जब हम लोग 9 के टेबल पढ़ते हैं, 9 9 81 होता है, उसके अलावा लास्ट में कभी भी 1 नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, 11 11 जब ही मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर केवल 9 तक ही जाना, उससे आगे नहीं जाना। तो अगर मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ तो ये 169 बन जाएगा, और ऊपर ही मेरे को 9 लिखना पड़ेगा, तो 169 को मल्टीप्लाई 9 से करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता। वैसे तो आ ही जाएगा कन्फर्म है, क्योंकि 1 है तो 9 ही लिखाएगा। 9 9 जो हो गया हमारा 81 का 1, कैरी हो गया 8, 9 6 जो हो जाता है हमारा 54, 54 और 8 72 का 2, कैरी हो गया 7, 9 1 जा 9 और फिर 7 हमारा कितना होता है, एक सेकंड, गलत हो रहा है क्या कुछ, कैरी लेने लगता है मुझे, गलती हो गया, फिर से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 9 9 जा हमारा 81 हो जाएगा, कैरी हो गया 8, 9 6 जो हो गया 54 और 54 और 8 हो जाएगा हमारा 62 का 2, कैरी होगा 6, हाँ ये कैरी में गलती हुआ था, 9 1 जा 9 और 6 हो गया 15, क्योंकि यहाँ पर हमारा 15 था, तो यहाँ अगर मैं 7 लिखता तो 16 आ जाता, इसलिए मुझे कन्फर्म हो गया कि मैं गलत हूँ कहीं पर। तो यहाँ पर भी हम 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1521, सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा जो स्क्वायर रूट निकल गया वो कितना निकल गया, 89 निकल गया। तो एक बार आप लास्ट में इस तरीके से लिख के भी दिखा देना कि 7921 का जो स्क्वायर रूट है वो 89 है, बाकी ये सब जो चीज़ें ना यहाँ पर रफ में करोगे ना, यहाँ पर मैं सामने आपको समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले पेयर बनेगा राइट साइड से, तो ये तो डबल पेयर हो गया और ये सिंगल ही रह जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा 5 है तो जाहिर सी बात है कि ये 3 से तो होगा नहीं, 3 3 से 9 हो जाएगा, तो हम 2 से ले लेंगे, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करो आ गया 1 और ये 7 6 उतर जाएगा, 2 और 2 को ऐड कर दो तो इधर आपका आ गया 4। अब यहाँ पर लास्ट में 6 है तो या तो हमारे पास क्या आने वाला है, लास्ट में 6 आने वाला है, यानी कि हम लोग यहाँ पर 6 लिखने वाले हैं या तो 4 लिखने वाले हैं, क्योंकि 4 के टेबल में भी लास्ट में 6 आता है, 4 4 16 और 6 6 36। तो देखो अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 46 का मल्टीप्लाई मैं 6 से करूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6 4 जो हमारा कितना होता है 24 होता है ना, इसका मतलब ये 250 से अप्रॉक्स चला जाएगा, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, तो फिर 44 जो हमारा कितना होता है 160 होता है, तो 44 4 जो हमारा 176 हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, तो आपको भी ना दिमाग में जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना भी शुरू कर देना है, ये नहीं कि बार बार आप मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हो, हाँ स्टार्टिंग में तो आप कर सकते हो, बाकी अब क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच गया हो, कंटिन्यू बना रहे हो, तो आपके माइंड में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ भी 4 लिखा हमने, यहाँ भी 4 लिखा, 4 4 जाए देखो 16 का 6, कैरी हो गया 1, फिर 4 4 16 और 1 17 हो जाएगा, और ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा हो गया कैंसिल, इसका मतलब जो हमारा अंडर रूट रहेगा 576 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 24। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करें अब। तो 10th नंबर में कितना दिया हुआ है 1024, वीडियो कितना मिनट का हो गया, 18 मिनट। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया डबल पेयर, ये भी डबल पेयर, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 10 है, तो ये तो हमारा 3 का 3 3 जा 9 होता है, 4 4 16 यानी कि 3 लेना पड़ेगा, तो 3 3 जा हम लोग 9 ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 1 और ये 24 उतर जाएगा। अब लास्ट में 4 आ गया है तो 4 किस नंबर के लास्ट में आता है, तो केवल एक 2 और एक हमारा 8 है जिसके लास्ट में हमारा 4 आता है ना, 2 2 जा हमारा होता है और फिर 8 8 जा, पहले तो इसको ऐड कर लो एक काम, नहीं तो अटक जाएगा। तो यहाँ पर ऐड किया हमने 3 और 3 9 आ गया। अब यहाँ या तो मैं 2 लिखने वाला हूँ या तो मैं कितना लिखने वाला हूँ 4 लिखने वाला हूँ, लेकिन कुछ नहीं, सॉरी 3 और 3 9 लिख रहा है, तभी बोलूँ कहाँ से आ गया इतना ज़्यादा बड़ा नंबर, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये 62 बन जाएगा और यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, और अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 64 हो जाएगा और यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, तो 64 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 240 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 64 जो 240 होता है, ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो यहाँ भी हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 2 जो हो गया 4 और 2 6 हो गया 12, तो आगे ना एग्जैक्ट हमारा, तो इस तरीके से ही इसका जो स्क्वायर रूट निकल गया 1024 का वो कितना निकल गया 32। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें।
तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर डबल पेयर बना लो पहले, तो डिवाइड वाला डब्बा बना लो। अब यहाँ पर देखो 31 है, तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 वाला बड़ा हो गया तो हम लेंगे 5 वाला, 5 5 जा गया हमारे यहाँ पर 25, सबट्रैक्ट कर लो 31 में से 25 माइनस वो आ गया 6, और ये जो 36 है ये भी उतर जाएगा। यहाँ पर 5 और 5 को ऐड भी कर लो, तो 5 और 5 हमारा हो जाएंगे 10, ठीक है। अब लास्ट में 6 है, तो या तो हमारा 4 4 जा 16 होने वाला है, या तो 6 6 जा 36 होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो यहाँ भी 4 लिखूंगा, तो 104 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो 600 तो होने वाला नहीं है, वो 400 के आसपास आएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ भी 6 लिखना है और यहाँ भी 6 लिखना है, उसे क्या होगा 6 6 जा 36 का 6 कैरी हो गया 3, तो 3 का 3 उतर जाएगा क्योंकि 0 है, और फिर 6 1 जा 6 आ जाएगा। देखा आपने कितना सिंपल है। तो जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम फिर बचने लगता है। तो इसका जो आंसर होगा 3136 का, वो हो जाएगा 56। क्लियर है। अब चलो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कितना दिया हुआ है, 900। बहुत अच्छी बात है, 0 वाला दे दिया, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। 00 का एक पेयर बना, एक 9 सिंगल रह गया। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर वही लेंगे, नहीं कि अब 3 से छोटा नंबर ढूंढने लगा। अगर स्क्वायर मिल गया तो वही ले लेना आपको। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9, सबट्रैक्ट कर दिया हमने, बचा यहाँ पर कितना, कुछ नहीं, खाली हो गया। अब ये जो 00 है ये उतर जाएगा, 3 और 3 को हम ऐड करेंगे, जो हमारा रूल है एज इट इज़ वैसे चलना है। ये हो गया हमारा 6। अब यहाँ पर 0 आ गया है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि किस नंबर के लास्ट में 0 आता है। तो हम लोग अगर 0 का 3 का मतलब कि 6 का टेबल अगर 0 टाइम पढ़ेंगे तभी 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिख देता हूँ और यहाँ भी 1 लिख दूंगा, तो 61 1 जा 61 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा है। तो हम लोग 1 भी नहीं लिख सकते, हम लोग 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर 60 का फिर टेबल हम लोग 0 टाइम पढ़ेंगे, तब फिर हमारा कितना आएगा, 0 0 आ जाएगा, और फिर ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब 900 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो वो 30 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप 900 का स्क्वायर रूट को लिखोगे 30, और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन। आई थिंक इस क्लास का सबसे लेंथी वीडियो हो गया मेरा 21 मिनट्स का, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको मैं इसी तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, और फिर थोड़ा सा स्पीड में उसे सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। क्लियर है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।